साल 1978 को जब एक लेडी को यह पता चला कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा है, तो उसने सुसाइड करने का सोचा। वह जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहां से उसने जंप किया और ठीक उसी टाइम उसका पार्टनर घर से बाहर जा रहा था और वह ठीक उसके ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसके पति की वहीं पर डेथ हो गई और वह लेडी बच गई। जिसके बाद उस लेडी को कुछ साल के लिए सजा भी हुई और जुर्माना भी लगा। साल 1986 को दो रशियन पायलट थे जिनके बीच में इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई कि कौन बिना देखे प्लेन को लैंड करा सकता है। एक पायलट ने कहा कि वह ऐसा कर सकता है और प्लेन को उतारने लगा। तभी प्लेन रनवे से चूक गया और क्रैश हो गया, जिसमें बैठे 70 पैसेंजर की वहीं पर डेथ हो गई और साथ में उन दो पायलट की भी, जिनके बीच एक कंपटीशन था। ब्रिटेन की एक लग्जरी फैशन कंपनी बर्बरी ने अपने टेच कोट, चेक स्टाफ और अनोखे बैग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। बट शायद आपको बिलीव ना हो, लेकिन इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में $10 मिलियन के सामान को जला डाला, जिसमें परफ्यूम, कॉस्मेटिक, इनके अलावा भी और भी कई महंगे प्रोडक्ट थे। ये कंपनी चाहती तो इन्हें सस्ते में बेच सकती थी, बट इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि कंपनी का मानना ये है कि अगर वे ऐसा करती तो इसकी वैल्यू घट जाती। स्टॉकलैंड में एक ब्रिज है जो डॉग सोसाइटी के नाम से फेमस है। लास्ट 70 सालों में यहाँ 1000 से भी ज़्यादा कुत्तों ने सुसाइड किया है और जो कोई भी डॉग इस ब्रिज को क्रॉस करता है वह बीच में पहुंचकर अचानक से विचलित हो जाता है और ब्रिज से नीचे कूद जाता है। साइंटिस्ट को तो यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा, बट पैरानॉर्मल चीज़ों को मानने वाले लोग कहते हैं। 30 साल पहले यहाँ एक लेडी रहती थी और जब उसकी डेथ हुई तब से यहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई और आज उसी की आत्मा यहाँ भटकती है। जब 19th century का स्टार्टिंग टाइम था तो उस टाइम उत्तराखंड के चांपवत स्टेट में एक टाइगर ने 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 436 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसका खौफ कई सालों तक रहा, लोग शाम होते ही अपने घर में चले जाते। गवर्नमेंट ने इसे मारने के लिए काफ़ी ट्राई किया, यहाँ तक कि आर्मी को भी बुलाया गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। जिसके बाद एक प्रसिद्ध शिकारी को बुलाया गया जिसका नाम था जिम क्रॉबेट। उसने इसे शूट किया, जिसे स्पेशली इसी के लिए बुलाया गया था।